आप देख रहे हैं रफ्तार न्यूज चैनल, सबसे तेज सबसे आगे। पुलवामा में हुए आतंकवादी हमले में शहीद हुए सीआरपीएफ के जवानों का बदला लेने के लिए पूरा देश एक होकर खड़ा है और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पाकिस्तान को कड़ा जवाब देने की मांग कर रहा है। तो वहीं पर बागपत में बीए के छात्र सत्याग्रह कर रहा और छात्र ने अपनी नस काट खून से चिट्ठी लिखकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से एक शहीद के बदले 1000 पाकिस्तानियों के सर कलम कर देने की मांग की है और उसने सरकार को 48 घंटे का अल्टीमेटम भी देकर चेतावनी दी है कि अगर उसकी मांगें पूरी नहीं हुई तो देश का युवा खुद बॉर्डर पर जाकर पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देगा। दरअसल आपको बता दें कि शामली जनपद के बरासी में गांव का रहने वाला बीए का छात्र विजय कुमार बागपत जिले के कस्बा बड़ौत में दिगंबर जैन कॉलेज में पढ़ाई करता है और कल जब से आतंकवादी हमले में सीआरपीएफ के जवानों के शहीद होने का पता चला तो वह पूरी तरह से गुस्से में आ गया और आज सुबह में वह अपने हाथ की नस काटकर मेन बाजार में नेहरू मूर्ति के पास सत्याग्रह पर बैठ गया है और उसने अपने ही खून से देश के प्रधानमंत्री के नाम एक चिट्ठी लिखकर एक जवान के बदले 1000 पाकिस्तानियों के सर कलम करने की मांग की है। और उसने व्यापार संगठन देश में जो जवान शहीद हुए हैं, जो आतंकवादी हमले से जो मारे गए हैं, उनको सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिए जो है बड़ौत व्यापार के सभी जो है व्यापारी नेहरू मूर्ति पर इकट्ठे हुए और कैंडल मार्च निकाला उनकी सच्ची श्रद्धांजलि के लिए। जी एक के बदले 1000 सर चाहते हैं मोदी जी से। हमारे देश के 50 नौजवान सेना में जो पोस्टेड थे कश्मीर के अंदर पुलवामा में, उनका बदला कब मिलेगा मोदी जी? हम आपसे पूछना चाहते हैं देश के युवा आपसे पूछना चाहते हैं। हम 48 घंटे का अल्टीमेटम केंद्र सरकार से देते हैं, अगर 48 घंटे के अंदर आप बदला नहीं ले सकते तो देश का युवा बॉर्डर पर जाएगा और लड़ेगा पाकिस्तान से, चाहे हमारी लड़ाई लाहौर तक क्यों ना हो, हम लड़ेंगे, लाहौर तक लड़ेंगे। अब की बार तो नस काटी है, देश का युवा सड़कों पर और बॉर्डर पर पहुंच जाएगा बहुत जल्दी। खून से संदेश देना चाहते, हमारे खून में हमारे भाइयों का खून बहा है वहां पर और देश की सरकार अब भी चुप बैठी है, उसका क्या कारण है? आप कब जवाब दोगे? किसी की मांग उजड़ी है, किसी का बाप गया है, किसी का बेटा गया है, उसका जवाब कौन देगा? मोदी जी आप बताओ हमें, देश का युवा आपसे पूछ रहा है। मैं भारसी गांव जिला शामली का रहने वाला हूँ, बीए फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ, दिगंबर जैन कॉलेज बड़ौत।